आशीर्वाद दोस्तों, आज मैं आपको अपने हिंदी रसोई घर में स्वागत कहती हूँ। दोस्तों ये मांस है, ये बड़ा दिलकश है, बड़ा बढ़िया बनेगा। मांस बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बाउल चाहिए होगा, उसमें आप तापमान से पाक ऑयल डाल दीजिए। उसमें नमक, जीरा, जो जो आपके पास चीज़ें हैं वो स्वाद अनुसार इसमें शामिल कर लीजिए। दोस्तों अगर इस वक्त मुझे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री देख रहे हैं तो मेरी आपसे मिनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत शुभ का काम होगा और मेरे सौभाग्य जाग उठेंगे। दरकशो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये बहुत पुण्य का काम होगा, क्योंकि मुझे लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी के ही तो रोने हैं। ये देखिए मैंने मांस ले लिया है, आप देख सकते हैं इसको मैंने घायल कर लिया है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा, आपकी त्वचा सुरक्षित रहे। ये देखिए दोस्तों मैं इसको एक बाउल में डाल रही हूँ। मेरे रसोई घर का तापमान काफी शदीद है। दोस्तों ये देखिए मैंने पूर्व पश्चिम से एक पतीला मंगवा लिया है और ये मैंने अपने पड़ोसी से ले लिया है, और आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर मैं मांस रख रही हूँ, 1 2 3 4, बहुत ही मजा आने वाला है, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनने जा रहा है। दोस्तों ये देखिए अब मैंने इसको 5 डिग्री के तापमान में रख दिया है। बाप रे बाप, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, ये भोजन तो मैं सारा ही खा जाऊंगी। हाँ लेकिन मुझे थोड़ा सा माता पिता को भी देना पड़ेगा और परिवार वाले भी मुझे देख रहे हैं। अब ये देखिए मैंने इस भोजन के अंदर इस पाउडर को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, ये तो मुझे मेरे दरकश ही बता सकते हैं। इसको अब मैंने कम डिग्री के तापमान में रख दिया है और अब मैं इसे फ्राई करने जा रही हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा रसोई घर कितना पवित्र है और इसमें एक भी कीटाणु नहीं है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है कि मेरा ये रसोई घर कीटाणुओं से पाक है। दोस्तों ये देखिए इसके ऊपर मैंने सफ़ेद तेल डाल दिए हैं और ये वाकई ही बढ़िया लग रहा है। दोस्तों ये तो बढ़िया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।